बालोदा बाजार हिंसा मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार देर रात विधायक देवेंद्र यादव को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 7 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। एमएलए देवेंद्र की गिरफ्तारी के लिए दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बड़ी संख्या में उनके समर्थक विरोध करते रहे। इस दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच तीखी झड़प भी हुई। भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पर बालोदा बाजार हिंसा मामले में भीड़ को उकसाने का आरोप है। इस आरोप के चलते उनसे 2 बार पूछताछ की गई है। इसके बाद बालोदा बाजार पुलिस शनिवार सुबह से ही दुर्ग पहुंची थी, जहां भिलाई नगर विधायक के सेक्टर 5 स्थित देवेंद्र यादव के आवास के बाहर पुलिस को करीब 11 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। किस तरीके की पूछताछ हुई और किस तरीके का कोर्ट में पेश करने का निर्णय लिया? दिनांक 10 जून को जो आगजनी की घटना हुई थी, उसी परिपेक्ष में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया था। मामले की जांच पर से साक्ष्य पाए गए थे। उसी दर पर विधायक श्री देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की गई और आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय ने पुलिस का रिमांड स्वीकार करते हुए 20 तारीख तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। वकील में जो कार्रवाई है विधि सम्मत की गई है। आरोप है सर की सारी चीजें विधि के अनुरूप ही की गई है। दरअसल देवेंद्र यादव पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकले थे। इस बीच पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी देवेंद्र यादव से मिलने पहुंचे। दिन भर के नाटकीय घटनाक्रम के बाद आखिरकार देवेंद्र यादव को बालोदा बाजार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।